नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। शुक्रवार को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। एमपी में 71% से ज्यादा, जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 68% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। एमपी में हुई बम्पर वोटिंग से जहां कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी भी अपने ढंग से इसका विश्लेषण कर रही है। और इस बार महिला वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों असमंजस में दिख रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। सबसे ज्यादा जो वोटिंग का परसेंटेज वो साजापुर में है, 70.27, उसके बाद आगर मालवा 69.96, देन नीमच 69.69। वोटिंग में जनता ने भारी जोश दिखाया, मतदान का आंकड़ा 71% के पार पहुंचा दिया और शिवराज सरकार के कामकाज पर मध्य प्रदेश की जनता का फैसला ईवीएम में सील हो गया। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने 230 सीटों वाले एमपी विधानसभा चुनाव के 2709 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मतदान के लिए पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने जीत के दावे के लिए 3 दिसंबर का इंतजार नहीं किया। असर नहीं, महाअसर है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय होने वाली है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस साथ देने की वजह कुछ हो सकती है, लाडली बहना तो है एक फैक्टर, इसके अलावा का विकास, अभूतपूर्व विकास। बीमारू से हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया, विकसित मध्य प्रदेश बना दिया। अब इसको और आगे ले जाना है और जन कल्याण। क्या 3 तारीख के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश जनता मामा मामा बोलेगी? मामा तो बोलेगी ही, नतीजे के बाद मामा बोलने में क्या दिक्कत है? मैं देखिए मंच से एक बात कहूं कि अंतिम सांस तक मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वो मेरी आराध्य है, वो मेरी भगवान है, और इसलिए जो रिश्ते हैं वो किसी पद से जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत उत्साह है मध्य प्रदेश की मतदाताओं में कि अपना भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर, आपने कहा शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे आज के बाद। हम देखते हैं कौन अनाथ होगी, वो अपने आप तो पहले जीता है। पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी, और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है, और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। हर हालत में 130+ जो करने वाले जो है, मैं समझता हूँ कि नड्डा जी बन चुके हैं, इनको भ्रष्टाचार मध्यप्रदेश में नजर नहीं आ रहा। चुनाव का भी टर्न नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए कार्यकर्ता और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। ये पार्टी की रणनीति थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी लड़ाना है, और उसमें हमेशा विपक्ष को चित करना, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक विशेष गुण रहा है। ऐसा है कि उनका एक गुण रहा है कि हमेशा विपक्ष को पछाड़ना। जब ये निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लोगों को लड़ाना है, तो कांग्रेस 6 महीने तक तो बेहोश रही, उनको समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय ले। दरबार में कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की, आज भी मेरा प्रिडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में, उसको लोग हटाना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी है, उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज़्यादा और क्या खराब हो? हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए, सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है।
इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। सब लोग वोट का प्रयोग करें और जो राष्ट्रभक्त हो, राम भक्त हो, उसको वोट दें। क्या लग रहा कि कमलनाथ खेलेंगे कि कमल खेलेगा? ये सब बात तुमको आज नहीं करनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया आपने? क्या सोचा चित्रकूट के विकास राम को लेकर, राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर, चित्रकूट के विकास को लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर। मध्य प्रदेश के मुरैना में मतदान के दौरान हिंसा भी हुई। यहां दिमनी विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 148 पर सुबह मुंह पर कपड़ा लपेटे कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। हिंसा के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये हिंसा बीजेपी ने कराई है, लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस हिंसा का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी घटना हो गई है राजनगर छतरपुर में, एक हमारे वर्कर को रौंद डाला बीजेपी के उम्मीदवार ने, उसकी गाड़ी ने, और अभी तक पुलिस ने ना गाड़ी को कन्फिस्केट किया है ना उनकी गिरफ्तारी की है। खुलेआम गुंडागर्दी वहाँ पर हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये शिष्य वहाँ चुनाव लड़ रहा है, जो पूरी रेत की खदान की इसने वहाँ पे अवैध खनन किया है और पूरा वहाँ पर उन लोगों को वहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं। मैंने अभी कलेक्टर एसपी से बात की है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी इस बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है। अभी तक ना गाड़ी गिरफ्तार हुई है ना उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ। 15 गाड़ियों का काफिला उसमें चढ़ गया उसकी बॉडी पर से, आप समझ सकते हैं क्या हुआ। राजनगर की जो घटना है वो कल देर रात की घटना है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु अभी जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ना कहे तब तक हम नहीं कर सकते कि वो है। उसमें अभी पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर वगैरह दर्ज हो रही है, बट वो आज के दिन चुनाव से संबंधित नहीं, कल रात की घटना है, पोल डे के दिन की घटना नहीं है, उसके प्री पोल डे की घटना है। मतदान के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना में महिला मतदाताओं को पैसे देकर लुभाने की कोशिश का एक वीडियो वायरल हुआ। सुमावली विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई। आरोप है कि मुंगावली सरपंच ने इन्हें पैसे देने की कोशिश की। हालांकि न्यूज 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एमपी की ही तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी जनता ने खूब जोश दिखाया और 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान का आंकड़ा 68% को पार कर गया। मतदान करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो बीजेपी ने कहा कि सूबे में इस बार परिवर्तन तय है। जो घोषणा की थी और उस घोषणा को मैं अमल किए, चाहे केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए तब, हर परिस्थिति में हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहे और यही कारण है कि जनता हम पे भरोसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में नेतृत्वहीन हो चुकी है, पुराने लोगों को फिर से उन्होंने टिकट दे दिया, अब तो स्थिति और ख़राब हो गई। पहले तो उम्मीद कर रहे थे नए चेहरों को मौका देंगे, वही प्रेम प्रकाश पांडे, ये सारे वही चेहरे हैं जिसको 5 साल पहले नकार दिए थे, अब उसको फिर से टिकट दे दिए, तो जनता में निराशा तो थी ही। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भापा और इन ये कहीं नहीं गए, केवल केंद्र के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, कमा संभाले बैठे। अब बीजेपी के ना उसके बातों पे लोग विश्वास कर रहे हैं ना उसके दावे पे कोई विश्वास करेगा। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसे को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। When they go for a symbol, they have thought about what would be delivered by that party in a totality, and then they vote for the party. छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को ही वोट डाले जा चुके थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का जनादेश भी उसी दिन सामने आएगा। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।